नमस्कार साथियों, कोरोना अपने पीक पर है और हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में 5000 के रेंज में पर डे केसेज आ गए हैं। हमारी व्यवस्थाओं में भी कहीं ना कहीं परेशानी आने लगी है। आप सभी जानते हैं बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, मेडिसिंस की शॉर्टेज है। तो एक तो हमें ऐसे टाइम में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जब तक अति आवश्यक ना हो हम कहीं घर से बाहर ना निकलें, अपने को बचा कर रखें, अपने परिवार को बचा करके रखें। साथ ही साथ ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ लोग इतने संकट की इतनी बड़ी घड़ी में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाओं को महंगे दामों पे या बेच रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है। या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, पूरी तरह से मानवीयता और इंसानियत के खिलाफ है। जो इतनी बड़ी आपदा में भी को भी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत गलत है। हमने इन ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे, यही मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे उसमें आएंगे तो इनको बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। तो कृपया करके ऐसा न करें, मैं उनसे अपील भी कर रहा हूँ क्योंकि ये आम जन की जिंदगी का सवाल है। और लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि पैनिक न फैलाएं, धीरे धीरे सब चीज़ें व्यवस्था पे आएंगी, सब चीज़ें लाइन पर आएंगी, पैनिक न फैलाएं। और कई बार क्या होता है, अनावश्यक रूप से हमें ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो बात हो रही है उसके लिए भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सीजन में हमने देखा है प्रोन पोजिशन में 5-6% तक ऑक्सीजन लेवल में चेंज आ रहा है। इसी तरह से रेमडेसिविर को इनिशियल स्टेज पे जरूरत नहीं है, जब तक ऑक्सीजन लेवल डिप नहीं हो जाते, और बहुत ज़्यादा सीवियर होने पे भी जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर के एडवाइस के बिना ऐसे ही रेमडेसिविर की स्टॉकिंग ना करें, भविष्य के लिए उसकी स्टॉकिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें। ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यक लोगों तक ही जाने दें जिनको रियल में ज़रूरत है। तो कृपया करके ऐसी संकट की इस बड़ी घड़ी में इंसानियत दिखाएं।